हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जैसे देख सकते हैं, ये मेरे टमाटर के प्लांट हैं और इसमें हैवी फ्लावरिंग हो रही है। जैसे आप देख सकते हैं, जगह जगह में बड़े बड़े गुच्छे लगे हुए हैं और ये फ्रूटिंग में बदलने के लिए बेकरार हो चुके हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं, मेरे प्लांट्स में हर जगह बहुत सारे गुच्छे लगे हुए हैं फ्लावरिंग बर्ड के। आपको मैं सारे प्लांट दिखाऊँ तो उन सब में कम से कम 20 से 30 कलियाँ लगी हुई है, जो नीचे से भी लगी हुई है, तो वहाँ पे कैमरा नहीं पहुँच सकता। तो दोस्तों, आप जैसे देख सकते हैं, इनमें मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आपके टमाटर के प्लांट में ओवर वाटरिंग हो जाती है तो उससे आपके जो फ्लावरिंग बर्ड है वो फ्रूट्स में नहीं बदल पाएंगे और वो गल जाएंगे। आप जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे जो फ्लावरिंग बर्ड आपको दिख रहा है, ये गला हुआ है। इसको आप ध्यान से देखो तो ये पीला पड़ गया है, मतलब ये 2-3 दिन में झड़ जाएगा अपने आप, या हम इसको ऐसे करके तोड़ देते हैं। इससे कोई भी परेशानी नहीं होती। जो फ्लावरिंग बर्ड आपके एकदम बढ़िया हो और वो ऐसे सूख जाए, जब वो फ्लावरिंग बर्ड सूख जाते हैं, जब भी उसमें फ्रूट बनता है। जैसे अगर आपको दिखाता हूँ, मेरे टमाटर के प्लांट में पहला फ्रूट लगा है और उसको देखकर मैं बहुत ही खुश हुआ हूँ। आप जैसे देख सकते हैं, एक टमाटर का फ्रूट लगा हुआ है और जो उसके साइड में लीव्स आ रहे हैं, जो ब्राउनिश हो रहे हैं, वो लीव सूख जाते हैं और उनके बीच से ही हमारा टमाटर का प्लांट बनना स्टार्ट होता है। आपको दिखाऊं आपके फ्लावरिंग बर्ड कैसे गलते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे एक ये बर्ड गला पड़ा है। इसको मैं हल्का सा ही घुमाऊँगा तो ये टूट जाएगा। अगर मैं बाकियों को ऐसे करूँ ना, ये देखो, मैं तेज तेज ऐसे करके हिला रहा हूँ, इनको कोई परेशानी नहीं हो रही, मतलब ये फ्लावरिंग बर्ड अच्छी तरह से ग्रोथ कर रहे हैं और ये टमाटर बनने के लिए बेकरार हो चुके हैं। हमें हमेशा जब भी हमारे कोई भी फ्रूटिंग या फ्लावरिंग प्लांट्स में ज़्यादा फ्लावर और मतलब ज़्यादा फ्लावर होंगे तो मतलब फ्रूटिंग भी ज़्यादा होगी, तो हमें उसमें वाटर की क्वांटिटी कम कर देनी चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं, मेरे प्लांट्स में कुछ लीव्स ऐसे झुके पड़े हैं, लेकिन हमें इनको देख के परेशान नहीं होना कि इसमें पानी की कमी है, क्योंकि अगर इसमें हमने हल्का सा भी ओवर वाटरिंग कर दी तो आपके प्लांट तो बढ़ेंगे। जैसे आप देख सकते हैं, इतनी बढ़िया ग्रोथ, कम से कम ये आप देख सकते हैं कितने बड़े मेरे टमाटर के प्लांट हो चुके हैं। ग्रोथ तो इतनी बढ़िया होगी लेकिन फ्रूटिंग ना फ्लावरिंग इतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। ऐसा ही मैंने करा था, मैंने पानी की क्वांटिटी तो बढ़ा दी, मुझे लगा कि पानी की कमी है, गर्मी जैसे जैसे आ रही है, लेकिन मुझे नहीं पता था इससे मेरे फ्लावरिंग बर्ड को ही नुकसान होगा। और जैसी जैसी फ्लावरिंग आनी चाहिए थी वैसी नहीं आई, लेकिन इसमें मैं अपनी गलती नहीं मानता, क्योंकि मैंने पहली बार अपनी छत पर फ्रूटिंग प्लांट लगाए थे। मेरा पहला ही प्लांट ये टमाटर का है जो मैंने लगाने की कोशिश करी और इसमें मुझे टमाटर दिखे तो मैं बहुत खुश हुआ। अगर आपसे भी ऐसी मिस्टेक हो जाए तो कोई डरने की बात नहीं है, ऐसा होते रहता है, कभी कोई काम अच्छी तरह से परफेक्ट नहीं हो पाता, ये मैं करूं या कोई और करे, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो परफेक्ट हो। तो आप जैसे देख सकते हैं, अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। जैसे आप ये देखो, आप ये स्टेम साइज़ देख सकते हैं, एकदम पतला सा स्टेम साइज़ है। जैसे जैसे ऊपर जाता है इसका साइज़ ज़्यादा ही दुगना हो जाता है, आप कंपेयर करो इन स्टेम साइज़ से। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, मुझे इस प्रॉब्लम का नाम नहीं पता, लेकिन ये एक प्रॉब्लम तो है। नीचे से स्टेम पतला होगा तो उसमें न्यूट्रिशन भी उस मात्रा में नहीं जा पाएंगे जैसे जाने चाहिए। अब मेरे को पता नहीं है कैसे परेशानी हुई है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, इतने सारे फ्लावरिंग बर्ड हैं तो मुझे इनमें भी खुश हो जाना चाहिए। अगली बार से मैं ऐसे लगाऊंगा कि लीव्स कम आए और मेरी फ्रूटिंग इनटू 100 हो जाए। इनटू 100 तो आप समझ ही गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। जैसे मैंने ये इसमें एक स्नेक प्लांट का लीव डाल दिया था, मुझे लगा इसमें उग जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं उगा। चलो कोई बात नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी से जल्दी
हमारे चैनल में 1K सब्सक्राइबर हो जाएं तो हम गिव अवे करेंगे आपके लिए।